नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में और मैं आपके साथ ज्योत्सना। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की टॉप 10 हेडलाइंस पर। G7 देशों के बीच हुआ ऐतिहासिक करार, गूगल फेसबुक पर लगेगा 15% कॉर्पोरेट टैक्स। जनता को चीनी वैक्सीन लगवा कर फंसे इमरान खान, पाकिस्तानियों को अरब देशों में नहीं मिल रही एंट्री। बच्चों के लिए वैक्सीन की जगी उम्मीद, दिल्ली के एम्स में सोमवार से कोवैक्सीन का ट्रायल होगा शुरू। हरियाणा में 14 जून तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू, नई गाइडलाइंस जारी। ड्यू ओपन बुक परीक्षा आज से, ईमेल और पोर्टल दोनों पर स्वीकार नहीं होगी कॉपी। सबक सिखाने के लिए बड़ी ने करवाया दो छोटी बहनों का गैंगरेप, जयपुर में हुई है शर्मसार वारदात। पश्चिमी चंपारण में कोरोना पर काबू, लगातार चौथे दिन भी कोरोना से मौत नहीं। आंधी में जामा मस्जिद की मीनार का पत्थर गिरा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संरक्षण की गुजारिश। सेंट्रल विस्टा परियोजना में केंद्र सरकार ने विपक्ष के आरोपों को किया खारिज, कहा बड़ा चढ़ाकर पेश किए सभी दावे। मुंबई में नाबालिग लड़की के साथ दिल दला देने वाली वारदात, एक ही रात में 3 जगह पर 3 बार हुआ रेप। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।